नमस्कार, मी साताऱ्याची अश्विनी अविनाश पाटील आणि मी सध्या आहे वुहान चायनामध्ये. इकडे मी माझ्या मिस्टरांबरोबर 8 महिन्यापूर्वी शिफ्ट झाले होते. ये है महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली अश्विनी पाटिल, जो अपने पति के साथ चीन के वुहान शहर में फंसी हैं. ये वुहान वही शहर है जहां फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है. लगातार लोग मर रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. चीन सरकार इसकी रोकथाम के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा. चीन के कई शहर बिल्कुल ठहर गए हैं, कई शहरों को सील कर दिया गया है. वुहान में न कोई अंदर से बाहर आ सकता और न ही कोई बाहर से अंदर जाकर वापस आ सकता. इस शहर को बिल्कुल ही कैद कर लिया गया है. ऐसे में यहाँ फंसे ये भारतीय दंपति वुहान में बैठकर भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं. कुछ वक्त पहले ही भारत सरकार ने अपने प्लेन भेजकर करीब 70 से 80 भारतीयों को एयरलिफ्ट कराया था, लेकिन कोरोना वायरस का कहर इतनी जल्दी फैला कि कई यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो पाए. इनमें से एक है अश्विनी पाटिल. पाटिल की माने तो वुहान शहर में राशन खत्म हो गया है, सब्जियां खत्म हो गई हैं, लोग बेसिक जरूरतों की चीजों के लिए तरस रहे हैं. लेकिन अश्विनी पाटिल की स्थिति उनसे भी ज्यादा खराब है. पाटिल की माने तो चीनी प्रशासन कोरोना से बचाव के लिए लगातार अनाउंसमेंट करवा रहा है. वहीं चौराहे पर भी सामान बेचने वाले मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ लोकल भाषा ही समझ आती है. और इधर अश्विनी के पास खाने के सामान खत्म होते जा रहे हैं. ऐसे में ये एक एक पल कैसे गुजार रही हैं, जरा सुनिए. पाटिल ने बताया कि पासपोर्ट चाइना के एम्बेसी विभाग में जमा है और अश्विनी के पति अविनाश पाटिल की नागरिकता पोलैंड की है, जिसे पोलैंड की सरकार द्वारा 2 दिन पहले ही पोलैंड एम्बेसी ले जाया गया. जबकि अश्विनी पाटिल अकेली वुहान में फंसी है, जिसे लेकर वो भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रही है. गौर हो कि कोरोना वायरस की वजह से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो हजारों हजार लोग कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं. फिलहाल अश्विनी पाटिल हर किसी से मदद की गुहार लगा रही है.